Welcome back to my channel everyone, hope you guys are doing absolutely fine. You are watching No You Wills. मेरा नाम है दिब्येंदु. आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो वीडियो का टॉपिक है Benelli Imperiale 400. क्या ये सच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350 के लिए, उसी के रिगार्डिंग है आज का वीडियो. चलिए देखते हैं. आज का जो वीडियो है इसमें मैं अपना रिव्यू या ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दूंगा. इस वीडियो में मैं Benelli Imperiale 400 में क्या क्या चीजें प्रोवाइड किया गया है और क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या खासियत है, उसी के बारे में बताऊंगा. और ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है या नहीं, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा. बात करते हैं इसके फ्रंट हेडलाइट के बारे में. इसमें फ्रंट हेडलाइट जो है एकदम ही राउंड शेप्ड फ्रंट हेडलाइट है जो कि एक बहुत ही क्लासिक लुक देता है इसको. सबसे बड़ा बात यह है कि फ्रंट हेडलाइट, टेल लाइट या इंडिकेटर्स लाइट कहीं पर भी इस बाइक में कोई भी एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसमें जो रियर व्यू मिरर्स है उसमें क्रोम कलर का इस्तेमाल किया गया है. ये क्रोम कलर जो है ये बहुत ही एक क्लासिक लुक दे रहा है बाइक को. पेट्रोल टैंक जो है इसका वो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम लगा है. 400 सीसी का बाइक है तो 30 से 35 से ज़्यादा माइलेज तो ये देगा नहीं, तो मेरे हिसाब से 12 लीटर से ये टैंक जो है इसको 15 लीटर किया जाना चाहिए था. पूरा बाइक जो है ऑलमोस्ट मेटल फिनिश में है तो ये जो है क्लासिक 350 के बराबर ही है, क्योंकि क्लासिक 350 एक ऐसा बाइक है जो पूरा बॉडी में मेटल पार्ट्स रखता है. तो ये जो इंपीरियल 400 है Benelli का, इसमें भी मुझे जहाँ तक दिखा है ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स में आपको मेटल दिखने को मिल जाएगा. सामने का जो मडगार्ड है उसमें भी आपको मेटल मिलेगा, पीछे का जो मडगार्ड है वो भी मेटालिक है, टैंक जो है इसका वो टैंक भी मेटालिक है, और साइड वाला जो भी पार्ट्स आपको बाहर से दिख रहा है वो सब ऑलमोस्ट मेटालिक पार्ट्स है. तो ये क्लासिक 350 के लिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जो भी यूजर्स को मेटालिक बॉडी या फिर मेटालिक पार्ट्स बाइक में रखना पसंद है तो वो लोग क्लासिक 350 के पास इसको भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो अगर आप Benelli Imperiale 400 या क्लासिक 350 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग द वीडियो मैं आप लोगों को बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा. इसमें आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएंगे सामने, जो कि अपसाइड डाउन फोक्स है. हेडलाइट, इंडिकेटर्स और बहुत सारे जगह पे क्रोम कलर का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो क्लासिक या रेट्रो लुक इसको देना चाहते हैं कंपनी वो बहुत अच्छी तरह से दे सके. इसका जो कंसोल है इसमें आपको फ्यूल गेज और किलोमीटर के लिए दो TFT स्क्रीन मिलता है, और अदर्स जो पार्ट्स है उसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर और बहुत सारे जो लाइट्स है वो लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे. ये टैंक जो है 12 लीटर का टीयर ड्रॉप शेप टैंक है, और टैंक के दोनों साइड में आपको रबर ग्रिप प्रोवाइड किया गया है जो कि आपके नीज को अच्छी तरह रेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा. Benelli Imperiale 400 जो है ये 3 कलर में लॉन्च होने वाला है. एक है ब्लैक, दूसरा है रेड या फिर चेरी रेड आप इसको बोल सकते हैं, ये और तीसरा कलर है ग्रे. इस बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 374 सीसी का है. रेटेड आउटपुट जो है वो 21 PS है एट द रेट ऑफ 5500 RPM, और यूजेबल टैंक वॉल्यूम जो है वो 12 लीटर का है. इसका जो कंसोल या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो एनालॉग और डिजिटल का एक मिक्सचर है. तो उसमें Benelli ने कहा है कि द एसिमेट्रिकली शेप्ड एंड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि TFT या LCD क्लस्टर है प्रोवाइड्स अ सेंसेशन दैट इज मोर जेट फाइटर देन अ स्ट्रीट फाइटर. इसमें आपको 374 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयरकूल्ड SOHC इंजन मिल जाता है, जिसमें कि एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी है. मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो 21 PS का पावर है 5500 RPM में, और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट जो ये प्रोड्यूस करता है वो 29 न्यूटन मीटर का है 4500 RPM में. इसमें फ्रंट व्हील में 300mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है विद 2 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर एंड
240 mm का रियर डिस्क दिया गया है विद अ सिंगल पिस्टन कैलिपर। इसका फ्रंट व्हील जो है वो 19 इंच का है और रियर व्हील जो है वो 18 इंच का है। दोनों में ही इसमें स्पोक रिम्स प्रोवाइड किया गया है। इसमें सामने का जो टायर है वो 110/90 सेक्शन का है और पीछे का टायर जो है वो 130/80 सेक्शन का है। दोनों ही जो टायर है वो ट्यूब टाइप टायर है, इसमें ट्यूबलेस प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसमें आपको एक 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो कि सेम एज क्लासिक 350 है। इस बाइक में आपको डबल क्रैडल फ्रेम मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन जो है इसका 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। रियर सस्पेंशन जो है वो प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन है। डायमेंशंस के बारे में अगर आप बात करें तो इसमें आपको विड्थ जो है वो मिरर को एक्सक्लूड करके 820 mm का विड्थ है। ड्राइव वेट जो है ये बाइक का वो है 205 kg का। इसमें आपको 1440 mm का व्हील बेस मिल जाता है। इसका हैंडल बार जो है वो बहुत ही ब्रॉड टाइप का हैंडल बार है और हैंडल बार के साइड में आपको ग्रिप के जगह पे रबर ग्रिप मिल जाता है जहाँ पे बेनेली का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है विथ हैजर्ड लाइट स्विच एज वेल एज द सेल्फ स्टार्ट बटन। और लेफ्ट हैंड के साइड में आपको मिलता है हाई बीम लो बीम का स्विच एज वेल एज टर्न इंडिकेटर स्विच एंड द हॉर्न। फुल्ली ब्लैक पेंटेड इंजन जो है इसका वो बहुत ही अच्छा एक लुक देता है बाइक को। और इसका बाइक का जो सीट है वो एक स्प्लिट सीट दिया गया है जो कि क्लासिक 350 के बराबर ही है। क्लासिक 350 का जो सीट है वो ऑलमोस्ट सेम लुक प्रोवाइड करता है बेनेली इंपीरियल 400। इस बाइक में आपको बहुत सारे जगह पे बेनेली का ब्रांडिंग और बेनेली का लोगो मिल जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस टोटल बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। पिलियन सीट के नीचे आपको दो क्रोम कलर के ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। पिलियन सीट के पीछे भी आपको एक ग्रैब हैंडल बार मिलेगा जो कि ब्लैक कलर में पेंट किया हुआ है। इसका टेल लैंप जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला टेल लैंप है, बट इसमें कोई भी LED प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो एक रेट्रो और क्लासी स्टाइल का टेल लैंप है। तो ये जो बाइक है इसका प्राइस है 1,69,000 Ex-showroom। कम्पीट करने वाली है क्लासिक 350 के साथ और जावा जो 42 है उस बाइक के साथ। अगर इस बाइक को चलाने का मुझे मौका मिले तो मैं अपना रिव्यू या ओपिनियन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक खुद एक क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350 का ओनर हूं और जावा का जो क्लासिक या 42 है वो भी मैं चला चुका हूं। तो इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है और किस बाइक के साथ कैसे कम्पीट कर रहा है ये बाइक, तो उसके बारे रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ताकि आप लोगों को भी पता चले ये बाइक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बाइक मार्केट में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये बाइक कैसा लगा। अगर आपको ये बाइक पसंद आया है या आप ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये बाइक क्लासिक 350 से सिमिलर है। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है क्लासिक 350 और जावा 42 या जावा क्लासिक का एक बहुत ही बड़ा कंपटीटर होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब हो जाना और बाजू वाला बेल बटन भी दबा देना और बेल बटन दबाने के बाद ऑल पे सबमिट कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो रिलीज करूँ उसका नोटिफिकेशन बराबर आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीक मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।